तो हम खिलाने वाले आपको यहाँ पर अफगानी मोमोज, आप देख सकते हैं डिस्प्ले में, जो हमारे लगभग 10 लाख लोग मेरे हाथ से खा चुके हैं। लिट्टी चोखा वाले के पास में और बिहार का ये हमारा सर कुरकुरे अफगानी मोमोज, कुरकुरे अफगानी मोमोज। हाँ जी। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी डिफरेंट स्टेट के फूड खाने के शौकीन है तो आज मैं लेकर आया हूँ आपको जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। नए साल पर आपको नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल देखने के लिए मिलने वाला है और 27 स्टेट के फूड को आप यहाँ पर आकर चख सकते हैं। तो यहाँ पर आने के लिए आपको क्या टिकट प्राइस पे करना पड़ेगा, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा होने वाला है, कितने दिन ये फूड फेस्टिवल चलने वाला है, वो सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ में यहाँ का फूड किस तरह का होने वाला है वो भी मैं दिखाने वाला हूँ। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल में आने के लिए आपको ये वाला एंट्री गेट देखने के लिए मिलने वाला है और गेट नंबर 14, 14 नंबर गेट है, ये सामने देख पा रहे हैं। इससे आपकी एंट्री होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा क्राउड भी आपको देखने के लिए मिलने वाली है और जैसे जैसे न्यू ईयर आती जाएगी और ज़्यादा क्राउड बढ़ती जाएगी। अगर आप भाई मेट्रो आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ से हार्डली 400 मीटर की दूरी पर जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन देखने के लिए मिलने वाला है। इस रोड के थ्रू आप जाएंगे और वॉक इन करने के बाद आप मेट्रो स्टेशन तक आसानी से पहुँच पाएंगे। यहाँ पर आने के लिए अगर मैं टिकट प्राइस की बात करूँ तो 130 रुपीज़ का आपको टिकट पड़ने वाला है, जो कि आप बुक माई शो के थ्रू बुक कर सकते हैं आसानी से। ऑफलाइन टिकट की फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, बुक माई शो के थ्रू ही आप बुक करेंगे और फिर फूड की फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाएंगे। फिलहाल सामने आप देख पा रहे हैं नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल में आपको 27 स्टेट 27 राज्यों का फूड देखने के लिए मिलने वाला है और 500 से ज़्यादा डिफरेंट वैराइटीज़ के फूड को आप टेस्ट कर पाएंगे। यहाँ पर इंटरनेशनल फूड की वैराइटीज़ भी आपको देखने के लिए मिलने वाली है और बच्चों के लिए भी काफ़ी सारी ऑप्शन अवेलेबल है। 3 दिन चलने वाली इवेंट्स है, 29, 30 और 31 दिसंबर तक, 4 से लेकर आपको 10 बजे तक ये एंट्री होने वाली है और 30 और 31 तारीख को आपको 12 बजे से लेकर शाम के 10 बजे तक आप एंट्री कर पाएंगे। ये पूरा इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है और यहाँ से डिफरेंट वैराइटीज़ के फूड को आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। ऊपर लिखा हुआ है आई लव स्ट्रीट फूड, तो काफ़ी सारे स्ट्रीट फूड की वैराइटीज़ आपको देखने के लिए मिलने वाली है। फिलहाल अंदर एंट्री करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं यूनिक से फूड की वैराइटीज़ को। काफ़ी सारे फूड से रिलेटेड स्टॉल आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। सामने आप देख पा रहे हैं कश्मीर का स्टॉल, तो आज के वीडियो की स्टार्टिंग हम कश्मीर से रिलेटेड डिश से करते हैं और इन्होंने पूरा मेन्यू लगा रखा है जहाँ पर आपको डिफरेंट वैराइटीज़ के फूड से रिलेटेड आइटम्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। स्टार्टिंग यहाँ पर करेंगे हम, यहाँ पर कहवा आपको देखने के लिए मिलने वाला है, नून चाय, कश्मीरी रोटी, कश्मीरी भी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलने वाली है। सारी कश्मीरी जो आइटम्स की जो फूड से रिलेटेड लिस्ट है ये कम्प्लीट आप देख पा रहे हैं और यहाँ पर इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है फूड की वैराइटीज़, तो ये डिफरेंट कश्मीरी फूड की वैराइटीज़ आप यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं। कश्मीर के अलावा भी और काफ़ी सारे स्टेटों ने अपने फूड को डिस्प्ले किया हुआ है, तो वो भी आप यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं और यूनिक सी जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। ये पूरा जो फूड स्टॉल की जो वैराइटीज़ है इनको आप देख पा रहे हैं। हाँ, हम कश्मीर से आए, यूटी कश्मीर से, मैं श्रीनगर से हूँ, नसीर सूफी मेरा नाम है। हम स्टॉल लगा रहे हैं यहाँ फूड फेस्टिवल में नासवी में, तो पिछले साल भी आए थे हम, इस साल भी आए हैं। हमने आज कश्मीर के कुछ डिशेज लाए हैं। ये कश्मीर का, उसको बोलते हैं आलू मुंज, ये आलू का बनाया जाता है, तो इसमें मतलब बहुत सी मेहनत लगती है। और ये होता है नद्रू मुंज होता है, लोटस स्टीम का ये बनाया जाता है। और इसके अलावा हमने लाई है वहाँ से नून चाय लाई है वहाँ से। ओके। और उसका हमने लाया कहवा, ये मिल्क कहवा है, उसको कश्मीरी बोलते हैं दूध कहवा। अच्छा, दूध का कहवा, दूध का कहवा बोलते हैं। ओके। ये कहवा है जो, ये केसर का कहवा है, इसमें केसर मिलाया जाता है, ये केसर का कहवा होता है, ये केसर का कहवा है, ये केसर का कहवा है। और इसके साथ ये रोटी है कश्मीर की, तो ये मतलब हर कश्मीरी को पता है कि ये हम मतलब हमारा नाश्ता तो इससे मतलब शुरू होता है। और ये क्या, ये कश्मीरी कुलचा है, कश्मीरी कुलचा है। तो इसमें क्या, कश्मीरी कुलचे में क्या खासियत है? ये भी मैदे का बनाया जाता है, तंदूर में पकाया जाता है। ओके, मैदे का बना। और ऊपर क्या लगा हुआ है? ऊपर खसखस, इसको बोलते हैं खसखस, इसको बोलते हैं खसखस। ठीक है। और ये क्या चीज आप लेकर आए हैं? ये भी इसी का है, ये अंडे वंडे वगैरह बनाए हुए, ये हमारा ड्राई फ्रूट है। ठीक है। ये हम कहवे में डालते हैं, इसका केसर भी है, कश्मीरी केसर है, ओरिजिनल केसर है। ड्राई फ्रूट के अलावा कश्मीरी केसर भी आप ले सकते हैं, जो की कश्मीर का काफी फेमस होता है। और इसमें क्या बना रहे हैं भैया? इसमें कहवा बना रहे, समावार उसको बोलते हैं कश्मीरी, उसको बोलते हैं समावार, इसमें कहवा बनाया जाता है। तो कश्मीर से रिलेटेड प्रोडक्ट की वैरायटीज आपको फूड से रिलेटेड यहाँ पर मिलने वाली है और सारा जो डिफरेंट वैरायटीज कश्मीर की आपको इसके अलावा रोगन जोश भी है, अच्छा नॉन वेज में रोगन जोश भी बना हुआ है। ठीक है। सामने फूडी कूपन का जो स्टॉल है वो देखने के लिए मिलने वाला है और ये पूरा जो एरिया आप देख पा रहे हैं फूड का एरिया आपको देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ से डिफरेंट वैरायटीज के फूड को आप टेस्ट कर पाएंगे। काफ़ी ज़्यादा स्टेटों का यहाँ पर फूड आपको देखने के लिए मिलने वाला है। हिमाचल का सिड्डू भी आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं, सिड्डू, मनाली कचौरी, ये सब मनाली से रिलेटेड फूड की जो वैराइटीज़ है ये आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो ये
हिमाचल का फूड स्टॉल आपको देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर अलग अलग वैरायटीज़ के फूड को आप टेस्ट कर पाएंगे और मज़ेदार एक्सपीरियंस फूड से रिलेटेड आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ये सभी डिफरेंट डिफरेंट फूड की वैरायटीज़ इन्होंने डिस्प्ले की हुई हैं, इन सभी फूड की वैरायटीज़ को आप टेस्ट कर पाएंगे। यहाँ पर चना पोहा, ये डिफरेंट डिफरेंट फूड की जो वैरायटीज़ हैं ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। नेशनल फूड फेस्टिवल जाना इसलिए आता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे फूड को आप टेस्ट कर पाएंगे और इन्जॉय कर पाएंगे। ये क्या चीज़ है भैया? ये चूड़ा है। चूड़ा? ओके। तीखा चूड़ा आता है। अच्छा, तीखा चूड़ा नागपुर में विशेष करके महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन के अंदर में वो तीखा खाते हैं लोग। इसको पोहे के साथ में चना चना और ये थोड़ा सा तीखा, इससे जायका और बढ़ जाता है। अच्छा, तो नागपुर जो का जो फूड है, फेवरेट फूड है, वो आप लेकर आए यहाँ पर। और दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023 ज्वाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। मैं हूँ जयप्रकाश, निर्मल मोमोज पॉइंट करोलबाग गफ्फार मार्केट से। हर साल की तरह इस साल भी हम लेकर के आए हैं अपने करोलबाग के सबसे मशहूर मोमोज की वैरायटी नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल में। तो हम खिलाने वाले आपको यहाँ पर अफगानी मोमोज, आप देख सकते हैं डिस्प्ले में, जो हमारे लगभग 10 लाख लोग मेरे हाथ से खा चुके हैं करोलबाग में। और साथ ही 3 साल से हम लोग कुरकुरे मोमोज भी सर्व कर रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा प्यार मिलता है इसमें लोगों का, बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो मोमोज की कितनी वैरायटीज आप बनाते हैं? अब सर पहले तो वैसे 360 वैरायटीज मैंने अपने हाथ से इन्वेंट की है। ओके। बेसिक मोमोज तो सीखे थे, उसके बाद 360 वैरायटीज इन्वेंट की थी। पर क्या होता है, कस्टमर का दुकान पर इतनी भीड़ होती है, कई बार सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती, तो वो सारी चीज़ें वैरायटी थोड़ी कम करी है। अब लिमिटेड वैरायटी अपनी दुकान पर हम रखते हैं, जिसमें फूड फेस्टिवल में लगभग 30 वैरायटी मोमोज की यहाँ पर है हमारे पास। ओके। तो ये किसी की प्लेट बनाई है भैया आपने? कौन सा मोमोज है ये? हमारा सर कुरकुरे अफगानी मोमोज। कुरकुरे अफगानी मोमोज? हाँ जी सर। और बुरी तरह से सर्व किएगा, बढ़िया तरीके से आपने बना दिया, मस्त लग रहा है। थैंक यू सो मच सर। तो जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, ज्वाहरलाल नेहरू स्टेडियम 29-30-31 दिसंबर आना ना भूले, ये मौका साल में सिर्फ एक बार ही आता है। तो इस दिसंबर इस नए साल को और बेहतरीन बनाए बेहतरीन पकवानों के साथ दिल्ली के ज्वाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। काफ़ी सारी फूड की वैरायटीज एक्सप्लोर करने के बाद हम आ चुके हैं बिहारी लिट्टी चोखा वाले के पास में, और बिहार का फेमस लिट्टी चोखा भी आपको देखने के लिए मिलने वाला है। क्या क्या वैरायटीज लाए भैया इस बार? सर यहाँ पे बिहार का सबसे फेमस डिश लिट्टी चोखा लाए हैं, जो कि मोटे अनाज से बना हुआ है, गेहूँ सत्तू, और ये मतलब ताज़ी सब्जी से बनी हुई है बिना तेल मसाला का सर। और सर ये जो है सुनासवी के द्वारा हम लोग को ये स्टॉल लगाई गई है सर, जो कि हम लोग को एक्सपोज करने के लिए कि भाई और तुम लोग बेहतर तरीके से कर सको, यहाँ पे ट्रेनिंग भी उस हिसाब से हम लोग को दी जाती है। तो हम लोग का जो ये सर एक मिनी स्टार्टअप के रूप में सर इसको स्टार्ट किया गया था, जो हमारे भैया हैं संजीव कुमार जी, वही इसको स्टार्ट किए थे। तो इनका ब्रांचेस जो है सर पटना में भी है और दिल्ली में भी है। तो ये क्या चीज़ है? ये सर लिट्टी चोखा का जो प्लेट लगती है ना सर, उसमें ये सर घी है, ये मदर डेयरी की घी है, इसमें डिप किया जाता है सर। और ये आलू बैंगन टमाटर का चोखा है सर, और ये सलाद है सर इसके साथ दिया जाता है, और नारियल बादाम की चटनी है सर इस साइड में, धनिया की चटनी, मिर्चा सब है। और सर ये जो है बहुत कम तेल मसाला यूज करके बनाया जाता है सर, जो कि बहुत बेहतरीन बनती है। और हम लोग का सर दिल्ली में स्टॉल है, एक करोलबाग में सर, ओल्ड राजेंद्र नगर में सुन्नी आईएएस के सामने, फ्रेंड रेस्टोरेंट के बगल में सर, एक मुखर्जी नगर में है बात्रा सिनेमा के पीछे सर। तो प्लीज़ जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब सब करें, क्योंकि इन्हीं की वजह से मैं आप लोगों के पास पहुँच पा रहा हूँ, और एक बार हमारे स्टॉल पर जरूर आके आप टेस्ट करके। सामने आप देखेंगे तो आपको आइसक्रीम देखने के लिए मिलने वाली है। किस चीज़ से बनी हुई है आइसक्रीम ये? फ्रूट से बनी हुई आइसक्रीम भी देखने के लिए मिलने वाली है। और ये सामने अलग अलग स्टेट के फूडों को आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने रोलर आइसक्रीम, ईस्टर्न फूड आइसक्रीम। तो ये सारी डिफरेंट डिफरेंट आइसक्रीम को आप टेस्ट कर सकते हैं, और काफ़ी यूनिक यूनिक से जो वैरायटीज़ है वो आपको ये देखने के लिए मिलने वाली है। इन्होंने पूरा यहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, जहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट फूड की वैरायटीज़ देखने के लिए मिलने वाली है। कांजी बड़ा, छोले कचौरी, और ये काफ़ी सारी वैरायटीज़ अवेलेबल है, जहाँ पर आप यूनिक यूनिक से जो फूड की वैरायटीज़ है उनको टेस्ट कर पाएंगे। स्टेट आप जाएंगे और काफ़ी बड़े एरिया में ये सब चीज़ें डिस्प्ले की हुई हैं, और इन सब चीज़ों को यहाँ पर टेस्ट कर पाएंगे। पूरा व्यू आप देख पा रहे हैं यहाँ से, काफ़ी सारे स्टेटों का जो एरिया आपको देखने के लिए मिलने वाला है। और यहाँ पर पनीर पराठा, ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। उन्होंने रेट भी डिस्प्ले किए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के फूड की आपको देखने के लिए मिलने वाली है। 27 राज्यों का जो फूड है वो आपको यहाँ पर चखने के लिए मिलने वाला है। नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल में आपको यूनिक से जो फूड से रिलेटेड वैरायटीज देखने के लिए मिलने वाली। तो भैया क्या वैरायटीज इस बार लेकर आए हैं? हमारे पास पिज्जा ऑमलेट है, चीज पिज्जा ऑमलेट है, मलाई पिज्जा ऑमलेट है, चीज मलाई पिज्जा ऑमलेट। हमारे पास 200 तरीके की वैरायटी होती है, 200 तरह की वैरायटीज आपको ये यहाँ पर लाए हैं आप? हाँ जी, हाँ जी।
और ये पूरा इनका स्टॉल देख पा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फूड की वैरायटीज आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। पिज्ज़ा से लेकर हर तरह का जो जो आमलेट से रिलेटेड वैरायटीज़ है वो आपको नेशनल फूड फेस्टिवल में देखने के लिए मिलने वाली है। तीन दिन चलने वाली इस इवेंट में आज की स्टार्टिंग हो चुकी है और सैटरडे संडे में तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड भी रहने वाली है। तो भैया कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? अरे मैं तो बहुत अच्छा देख रहा हूँ, बहुत अच्छा होगा काम, प्रोग्राम भी अच्छा हो रहा है और अच्छी होगा। अभी मुंबई के स्टॉल पर आ चुके हैं और मुंबई का फेमस होता है बड़ा पाव, तो क्या क्या वैरायटीज़ भैया मुंबई से रिलेटेड फूड की आप दिल्ली में लेकर आए हैं? सर हमारे इधर मुंबई के अंदर वहाँ पे जो कि वड़ा पाव बड़ा मशहूर है, उसको हर वर्ग के लोग खाते हैं और उसके साथ में हम लोग जो वहाँ का मशहूर है पेटिस है और कांदा भाजी, पाव भाजी, पाव भाजी भी वहाँ का मशहूर है, वो सारे वैरायटी को हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं। तो दिखाएंगे किस तरह की वैरायटी है ये फूड की वैरायटी है? सर अभी हमारा यहाँ पे अभी फिलहाल वड़ा पाव है, ये वड़ा पाव है, हाँ ये पेटिस है, ये पेटिस है और अभी बन रहा है। तो मुंबई से रिलेटेड फूड की वैरायटीज़ आपको इस स्टॉल पर देखने के लिए मिलने वाली है, बड़ा पाव, पाव भाजी और पेटीज वगैरह ये वैरायटीज़ अवेलेबल है। इसके साथ में और भी काफ़ी स्टेटों ने अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया हुआ है, तो सारा एक्सप्लोर करने वाले हैं। इस साइड में चलते हैं और फाइंड आउट करते हैं क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट स्टेट अपने फूड को लेकर आए हैं। एक और फूड स्टॉल पर आ चुके हैं जो कि हैदराबाद का होने वाला है और हैदराबाद के डिफरेंट वैरायटीज फूड की आपको देखने के लिए मिलने वाली है। क्या बना रहे भैया आप? ये सर पापड़ी चाट है। पापड़ी चाट है, हाँ सर। और भी क्या क्या वैरायटीज आप लेकर आए? सर समोसा चाट है। समोसा चाट है और ये सब मिक्स कर कर इन सब चीजों को बनाते हैं। हां सर ये क्या है? स्वीट है सर। ये क्या है? स्वीट। अच्छा हां तो ये पापड़ी सर, पोहा पापड़ी सर, दही दस शो सर। तो इन सब चीजों को मिक्स करके आप इन फाइनल जो चीजें हैं वो बनाते हैं? हां सर। हैदराबाद से रिलेटेड प्रोडक्ट की वैरायटीज भी आपको यहां पर देखने के लिए मिलने वाली हैं और इन सब फूड की वैरायटीज को भी आप यहां पर आकर टेस्ट कर सकते हैं। सामने आप देख पा रहे हैं लुधियाना का स्टॉल आपको देखने के लिए मिलने वाला है और यहां पर भी लुधियाना की फेमस चीज़ें आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो ये सारी वैरायटीज़ फूड स्टॉल की आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। ये क्या बनाया हुआ अभी है? ये देखो बर्गर है और बर्गर में आपने ये नूडल्स डाला हुआ है। तो हमारे यहाँ पर जो बर्गर मिलता है वो विदाउट नूडल्स मिलता है, बट इन्होंने नूडल्स डाला हुआ है। तो इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट वगैरह यहाँ पर फूड फेस्टिवल में आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। फूड फेस्टिवल जाना इसलिए आता है कि यूनिक यूनिक से फूड की वैरायटीज़ को आप टेस्ट कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टिक्केस वगैरह देख पा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग बाग यहाँ पर फूड की वैरायटीज़ को टेस्ट कर पा रहे हैं। तो हम भी अपने फूड की वैरायटीज़ को टेस्ट करते हैं और यूनिक सा एक्सपीरियंस यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। एक और फूड स्टॉल आपको देखने के लिए मिलने वाला है, असम का स्टॉल देखने के लिए मिलने वाला है और यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है असम टी, मसाला चाय, स्पेशल पिट्ठा, लेमन टी, बैम्बू चिकन। तो यूनिक यूनिक सी वैरायटीज़ डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की आपको देखने के लिए मिलने वाली है। असम का फूड स्टॉल है, आप ये देख पा रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी यूनिक यूनिक सी फूड की वैरायटीज़ आप यहाँ पर टेस्ट कर पा रहे हैं सामने स्टेट में। सामने देख पा रहे हैं आपको शिलोंग का स्टॉल देखने के लिए मिलने वाला है। मैम क्या फूड की वैरायटी इस बार लेकर आए? अब ये है सेल रोटी। क्या रोटी? जी ये बनता है चावल का आटा, मैदा, सूजी और चीनी से। ठीक है और क्या इसके साथ हम ये सर्व करते हैं? मटर चना और ब्लैक सेसमे सीड्स उसके साथ मिक्स होता है ये। ओके दिस इज क्यूकम्बर एंड पोटैटो। काफी डिफरेंट है। क्या बोलते हैं? नेपाली अचार। ओके और ये है चिकन करी। ठीक है और इसके साथ हम सर्व करते हैं ये नेपाली खाजा। तो काफी यूनिक वैरायटीज यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली हैं और नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल में टेस्ट कर सकते हैं हम इन सभी फूड की वैरायटीज़ को। जी हम हिमाचल मंडी से आए हैं और अपना यहाँ लोकल डिश सिड्डू लाए हैं और कचौरी लाए हैं। हमारा सिड्डू ड्राई फ्रूट्स और दिखाइए सर किस तरह का सिड्डू आप लेकर आए और क्या क्या? सिंपल गेहूं के आटे का है। तो हिमाचल का मोस्ट फेवरेट डिश होती है सिड्डू। सिड्डू के साथ में आपको ये डिफरेंट डिफरेंट चटनीज भी मिल जाएगी। चटनी है, देसी घी है। ओके तो ये गर्मा गर्म सिड्डू आप देख पा रहे हैं, ये आप टेस्ट कर सकते हैं। और ये किस चीज़ से बनाते हैं भैया? एक ड्राई फ्रूट्स हैं जी और गेहूं का आटा है। गेहूं का आटा है जी। इसमें से मतलब हेल्थी पूरा चीज़ है आपको? पूरा हेल्दी है, इसमें कोई भी ऐसा कोई है ही नहीं कोई ऐसी चीज़। ये फूड की वैरायटीज है और ये गर्मा गर्म सिड्डू आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। ये लग गया जी गर्मा गर्म सिड्डू, ये डाल दिया ऊपर से देसी घी, ये हो गई इसकी स्पाइसी चटनी और ये हो गई अखरोट की चटनी। अच्छा अखरोट की चटनी भी साथ जी। और ऐसे दिया जाता है जी सिड्डू।
और टर्की का भी जो इस फूड स्टॉल देखने के लिए मिलने वाला है, और फूड की काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज इन्होंने डिस्प्ले की हुई हैं। ये सभी वैरायटीज फूड की यहाँ पर लगी हुई हैं। सामने टर्की का स्टॉल देखने के लिए मिल पा रहा है, इस साइड में भी आपको मेघालय का स्टॉल देखने के लिए मिलने वाला है, और काफ़ी यूनिक यूनिक सी जो फूड की वैरायटीज़ हैं आपको एक काफ़ी सारा एक चीज़ें मिल पाएंगी। व्हाट वी प्रोनाउंस दैट, ओके ओके, एंड व्हाट इज दिस, ओके, ये डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ फूड की आपको देखने के लिए मिलने वाली है टर्की के स्टॉल पर, और फिर आप और भी काफ़ी सारी फूड की वैरायटीज़ को यहाँ से एक्सप्लेन कर पाएंगे, खा पाएंगे। ये देखो फूड की काफ़ी सारी वैरायटीज़ अवेलेबल है आपको, डिफरेंट डिफरेंट फूड की वैरायटीज़ देखने के लिए मिलने वाली है, जो आपको समोसेस मिल जाएंगे, ब्रेड पकौड़ा मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, और इन्होंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर यूनिकनेस कर इन सभी चीज़ों को बनाया हुआ है। जलेबीज वगैरह भी टेस्ट कर सकते हैं, और यूएसपी यहाँ की ये है कि एक ही छत के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का जो फूड है वो देखने के लिए मिलने वाला है। आप सामने सीधे जाएंगे, यहाँ पर भी काफ़ी सारे फूड की वैरायटीज इन्होंने डिस्प्ले किया है। क्या बोलते हैं भैया, क्या चीज़ है, डोलट की चाट है सर। क्या डोलट की चाट, डोलट की चाट, हाँ। और अच्छा चांदनी चौक की फेमस है, तो ये भी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। और ये फतेह की कचौड़ी सिविल लाइन की, फतेह की कचौड़ी सिविल लाइन की, तो दिल्ली वालों का स्टॉल है। हाँ जी। और डिफरेंट वैरायटीज फूड की आपको दिल्ली से रिलेटेड भी मिलने वाली है यहाँ पर। फिर आगे जाएंगे तो आपको भी यहाँ पर काफ़ी सारी यूनिक यूनिक सी फूड से रिलेटेड वैरायटीज यहाँ पर अवेलेबल है, और काफ़ी ज़्यादा क्राउड भी आ रही है यहाँ पर, तो काफ़ी लोग बाग इंजॉय कर रहे हैं और मज़ा कर रहे हैं इन सभी फूड की वैरायटीज़ को। तो नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल में आपको कुल्लड़ पिज्जा भी देखने के लिए मिलने वाला है। कहाँ से भैया, पहले आप? पंजाब से सर। हम दिखाना जरा कुल्लड़ पिज्जा किस तरह का है आपका, और ये डिफरेंट वैरायटीज़ की आपको देखने के लिए मिलने वाली है। कुल्लड़ पिज्जा काफ़ी फेमस होता है, काफ़ी क्रिस्पी बना रखा है इन्होंने, और कुल्लड़ के अंदर पिज्ज़ा बना हुआ देखने के लिए मिलने वाला है, तो यहाँ पर आपको कुल्लड़ पिज्जा भी टेस्ट कर सकते हैं। ये क्या है भैया? ये पिज्जा ही है सर। अच्छा, डिफरेंट वैरायटीज फूड की है, ये भी पिज्जा की वैरायटीज आपको यहाँ से देखने के लिए मिलने वाली है। और ये कुल्लड़ पास्ता है जी, कुल्लड़ पास्ता भी है, देखो ये देखो भाई, कुल्लड़ पास्ता भी आपको यहाँ से देखने के लिए मिलने वाला है, और इन सब फूड की वैरायटीज को आप टेस्ट कर पाएंगे। इन्होंने प्राइसिंग भी लिखी हुई है, कुल्लड़ पिज्जा, कुल्लड़ पास्ता, बर्गर, नूडल्स, ये काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज फूड की आपको यहाँ पर टेस्ट करने के लिए मिलने वाली है, और आप इन सभी फूड की वैरायटीज़ को एंजॉय करने वाले। खाने के शौकीनों के लिए आपको साउथ इंडियन आइटम की जी रेंज है वो भी देखने के लिए मिलने वाली है, और डिफरेंट वैरायटीज साउथ इंडियन की देखने के लिए मिलने वाली है। आप यहाँ पर पोंगल, इडली, वड़ा, डोसा, ये सब टेस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये साउथ इंडियन आइटम्स की जी काफ़ी सारी रेंज अवेलेबल है। और ये सारा जो फूड स्टॉल की जो रो है ये लगी हुई है, यहाँ पर आपको चिकन पुस्का भी देखने के लिए मिलने वाला है, आलू चना सब्जी, चिकन पिठा, काफ़ी डिफरेंट वैरायटीज़ फूड की अवेलेबल हैं, और डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ की फूड की आप यहाँ पर टेस्ट कर पाएंगे। ये पूरा जो फूड एरिया ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल पा रहा है, और इन्जॉय कर पा रहे हैं इन सभी डिफरेंट फूड की वैरायटीज़ को।